दुर्जन लोग हैं, पापी लोग हैं। कहा कि उनके प्राण अधोगति होते हैं और जो सज्जन है उनके प्राण ऊर्ध्वगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात नाक या मुख से, गले के ऊपर से उनके श्वास निकलते हैं, नाक से या मुंह से, और कई योगी हैं तो ब्रह्मांड से भी निकल सकते हैं। माने ये फूट जाता है, यहां से खून निकलने लग जाता है। ये तो योगियों की बात, लेकिन जन साधारण जो होते हैं सज्जन लोग, उनके प्राण नाक से या मुंह से निकलते हैं। पहचान क्या है? नाक से या मुंह से खून आएगा। जब खून आएगा तो समझो बच गया दुर्गति होने से। नाक से खून आए या मुख से आए, और यदि मल मूत्र त्याग दिए उस स्थिति में, तो उसके प्राण अधोगति, उसकी अधोगति होनी, और उस समय उसको मूर्छा बाद में आती है, उससे पहले वो अंधा हो जाता है, मतलब उसको दिखना बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, उसको केवल अंधकार दिखाई देता, अंधेरा। इसी अंधेरे का नाम है काल रात्रि महारात्र। भगवती काली का रूप होता है अंधकार, काल रात्रि महारात्रि। उस काले अंधकार में उसको कुछ भी नहीं दिखता, उसकी आंखें खुली हैं, परिवार वाले इसके चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन उसको कोई दिख नहीं रहा, और परिवार वाले जो बोल रहे हैं उसको कुछ भी सुन नहीं रहा। ये किसकी बात है? पापी जब प्राण त्यागते हैं उनकी बात है। तो उस काले अंधकार में उसको यमदूत दिखाई देते हैं, काले रंग के, तांबे के रंग जैसे उनके बाल होते हैं, सिर पे तो होते हैं, शरीर पे भी बड़े बड़े लंबे केश, रोंगटे खड़े होते हैं उनके, कांटों की तरह, हाथ में मुदगर और पाश होती है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े होठ, बैठी हुई नाक, बड़े बड़े कान, सिर के रोम उनके खड़े होते हैं, और आंखें उनकी गोल होती है, लाल रंग की होती है। हमारी आंखें तो काली और सफेद होती हैं, उनकी आंखें काली और लाल, हमारी जो सफेदी होती है उनकी लाल होती है, हमारी आंखें लंबाई ली होती है, उनकी आंखें गोल होती है और बड़ी भयानक होती है। फिर उनके हाथ में पाश होती है, और पाश उसके ऊपर डालते हैं, जब पाश डालते हैं उसकी नब्ज छूटने लग जाती है, प्राण वायु विकृत हो जाती है, उदान वायु शांत हो जाती है, और मयान समान जो वायु है वो अधोगति उसकी हो जाती है, मल मूत्र का त्याग कर देता है, और उस समय उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1 करोड़ बिच्छू उसको एकदम एक साथ डंक मारा, और उसी समय वो मूर्छित हो जाता है, फिर उसके प्राण निकलते हैं। ये उसकी अधोगति। और उसके कर्म 2 जगह होते हैं, एक उसके चित्त में अंकित होते हैं और एक यमराज के यहां लिखे होते हैं। उसी समय चित्रगुप्त उसके कंधों से उतर जाते हैं, जो यम फांस फेंकते हैं चित्रगुप्त कंधों से उतर जाते हैं। उस समय उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, यमदूत उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, मूर्ख तुझको मनुष्य का जन्म मिला था, तुम्हारे पड़ोस में सत्संग भी होता था लेकिन तू नहीं जाता था, तुमको संत अच्छे नहीं लगते थे, ब्राह्मण अच्छे नहीं लगते थे, भैंस का दूध पीता, भैंस की सेवा करता, गाय की तूने कभी नहीं की, गाय का दूध तो पतला होता है, भैंस का गाढ़ा होता है, अब तेरा छूटेगा पसीना जो गाय को नहीं पाला, और तू गाय का दूध पी के गाय को छोड़ देता था, और लोगों के खेतों में गाय चरती तो डंडे खाती, सारा पाप लिखा हुआ है तुम्हारा, तुमने पत्नी को बड़ा कष्ट दिया, तुमने कभी पत्नी को पत्नी नहीं माना, हमेशा उसको दासी की तरह मानता था, जब चाहे डांटता फटकारता, तू कुछ भी मन मर्जी करता था, पत्नी टोकती थी तो कहता था तू कौन होती है रोकने वाली, अब तेरे को पता चलेगा,
तेरे सारे कर्म लिखे हुए, तो उसके पापों की याद कराते हैं, क्योंकि उस समय जब वो मूर्छित अवस्था में आता है ना, वो तो सब भूल जाता अपना, लेकिन जो ही सूक्ष्म शरीर उसका निकलता है, गरुड़ प्राण में भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ से, वो अंगूठे के समान शरीर होता है, इतना सा बस, अंतिम पौर अंगूठे का सूक्ष्म देह, उसके अंदर भी आंखें होती हैं, इंद्रियां होती हैं, इसी शरीर के जैसा होता है। सपने में जो आप अपने आप को देखते हैं, इसी शरीर जैसा होता है, सपने वाला शरीर ऐसा ही होता है, वो सूक्ष्म देह, उसमें मन भी होता है, जैसे स्वप्न के शरीर में मन भी होता है ना, हाथ पांव भी होते हैं, तुम चलते भी हो, मुंह भी होता है सपने में, तुम खाते भी हो, नाक भी होता है सपने में, तुम सूंघते हो, सांस भी लेते हो, आंखें भी होती हैं शरीर में, तुम सपने में देखते हो, पूरा शरीर ऐसा ही होता है, उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहम, पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, ये सब उसमें भी होता है, वो शरीर तुम्हारा जाएगा। उस समय उसको ले जाते हैं सय्यमनीपुरी। ये सय्यमनीपुरी कहां है? ये नरक की राजधानी है।